के मकान पर चला योगी बाबा का बुलडोजर ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से बना रखा था मकान। मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के खबरिया बरवाला में आज पूर्व प्रधान के मकान पर योगी बाबा का चला बुलडोजर। आपको बताते चलें, पूर्व प्रधान ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान बना रखा था, जिसमें योगी सरकार ने अवैध रूप से कब्जा कर मकान बनाने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है और बुलडोजर चलवाकर मकानों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है और ग्राम समाज की जमीन को खाली कराया जा रहा है, जिसमें खबरिया बरवाला खास गांव के 6 व्यक्तियों ने अवैध रूप से ग्राम समाज की जमीन को कब्जा कर लोगों ने अपना मकान बना रखा था, जिसमें सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अवैध रूप से ग्राम समाज की जमीन पर मकान बनाने वालों को एसडीएम द्वारा नोटिस चस्पा कर दिया गया था, जिसमें नोटिस चस्पा करने के बाद भी ग्राम समाज जमीन पर बने मकान को खाली नहीं किया गया, जिसमें आज प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच पूर्व प्रधान और अन्य ग्राम समाज की जमीन पर गांव के व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर मकान बना रखा था, उन जगहों पर आज बुलडोजर चलवाकर मकानों को तुड़वाया और ग्राम समाज की जमीन को खाली करवाया। वही नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान रिजवान अली ने जानकारी देते हुए बताया है, गांव के कुछ व्यक्तियों ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर वहां पर अवैध निर्माण कर रखा था। प्रशासन के नोटिस चस्पा करने के बाद भी ग्राम समाज की जमीन को खाली नहीं कराया, जिसमें आज एसडीएम और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ग्राम समाज की जमीन को बुलडोजर चलवाकर बने अवैध रूप से मकानों को तोड़वाकर खाली कराया गया है। जो बाकी मकान रह गए हैं उनको भी जल्द प्रशासन तोड़वाकर उस जगह को भी खाली कराया जाएगा। क्या नाम है आपका? रिजवान अली जी। आज क्या मामला हुआ है? जेसीबी जो चली है, क्या बात है? आज मामला क्या हुआ, सरकार द्वारा ये वो चल रहा है अभियान पूरे उत्तर प्रदेश जी, जिन लोगों ने नजायज कब्जे कर रखे हैं उन कब्जों को मुक्त किया जाएगा जी। मेरे ग्राम पंचायत खबरिया बुढ़ में भी था एक ऐसा ही मामला, जिसमें एसडीएम सदर मुरादाबाद साहब ने जो है उसकी जाँच करा के उनको नोटिस दे दिए गए सरकार द्वारा उसे खाली करने के लिए। 14 तारीख को नोटिस दिया था, 3 दिन का टाइम दिया था, जिसमें वो आज तक खाली नहीं कर पाए। आज एसडीएम सदर और तहसीलदार साहब और पुलिस प्रशासन टोटल आन के उसको जो है गिरा के गया है। कितने घर थे? लगभग 6 लोग थे, 6 लोगों को नोटिस थे। किस किस के घर थे, क्या नाम है उनका? मुर्तजा सनोफ मुस्तकीम, अनवार सनोफ मुस्तकीम, राशिद सनोफ मोहम्मद वारिस और हसमत अली दूल्हा कलवा में। अच्छा, और कुछ बाकी और भी रह गए हैं? और बाकी रह गए हैं, आपको टाइम नहीं था, वो बाकी रह गए हैं, खाली कर लेना, नहीं तो फिर किसी दिन इसमें पानी की जल निगम को दे दी गई है, जल निगम टंकी लगा हुआ। अच्छा, पहले भी नोटिस दे चुका हाँ, थे? कई नोटिस दे चुके हैं, उसके बाद में भी खाली नहीं करा। उसके बाद में भी खाली नहीं करा, आज आए हैं हफ्तों में 14-15 दिन के बाद, जिसमें जो है जल निगम अपना पानी की टंकी लगा। अच्छा, जो रह गए हैं घर उनके लिए भी टाइम दिया होगा? हाँ, उनके लिए, बाकी लोगों को बाहर नहीं दे गए और इन लोगों को भी कह गए अपना हटा लें, नहीं तो इसका भी खर्चा आप ही दोगे हटाने। अच्छा, ये जगह कैसी थी, मतलब जो उन्होंने घर बना रखे? ग्राम समाज की नवीन पट्टी है। अच्छा, इस पर इन्होंने पूर्व में ये प्रधान पति रह चुके हैं, इन्होंने अपनी दमंगी में इस पर कब्जा कर रखा है। कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत खबरिया भोर।